वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से डबल रोटी के पकौड़े कह लो या ब्रेड वड़ा कह लो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 6 स्लाइसेस डबल रोटी की है। कोई भी आप डबल रोटी ले सकते हैं, स्लाइसेस ज़रूरी नहीं है। कुछ अगली पिछली पड़ी हुई हो, लेफ्ट ओवर पड़ी हुई हो, ब्राउन पड़ी हुई हो, वाइट पड़ी हुई हो, और कुछ ना होगा और फिर झटपट एक ज़बरदस्त सी चीज़ बन जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये डबल रोटी 6 स्लाइसेस है। इसको बस आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ लें और चाहें तो इस तरह से पीसेस भी कर लें। बेसिकली तो हमें इसे क्रश ही कर लेना है, ठीक है। और अब इस साइड से भी कर लेंगे और अब इसको एक बड़े बोल में डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून हमारा दही है, ये डाल देंगे। और यहाँ 4 टेबलस्पून पानी है, ये डाल देंगे। और ग्लव्स पहन के इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो अब देखें आप, इसमें फ्रेश डबल रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की भी डबल रोटी आपके पास अगली पिछली जो भी पड़ी हुई है उससे बना लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छा सा हमारा मसल गया। तो अब हम इसमें डालेंगे, देखें हमारे पास ढेर सारी यहाँ वेजिटेबल्स हैं। आपको जो वेजिटेबल लेनी हो वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास है ये देखें, 1 कप के आसपास हरी प्याज है, 1 कप के आसपास हरा धनिया, छोटा सा टुकड़ा ऑरेंज बेल पेपर, ये छोटा सा टुकड़ा येलो बेल पेपर का था, 1 कप के आसपास हरी बेल पेपर, 1 कप के आसपास ये हमारे पास रेड प्याज थी और 1 कप के आसपास रेड वाली बेल पेपर। तो ये सब चली जाएंगी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके घर में जो मौजूद हो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है, जो रखा हुआ है। चले अब इसमें डाल देंगे हम, ये देखें 1 टेबलस्पून क्रश पेपर है, अगर हरी मिर्चें, अगर आप चाहें तो काट के भी चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन है और 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक है। अगर आप पिसा हुआ चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ है 5 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तब आप उसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं, और अगर आपके पास पीसने का भी नहीं है या दिल नहीं चाह रहा है तब आप इसका रिप्लेसमेंट कॉर्नस्टार्च से भी कर सकते हैं। जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, कॉर्न सूप बनाने वाला, वो भी डाला जा सकता है। और यहाँ हमारे पास है 8 टेबलस्पून मैदा। अब मैदे की जगह आप ब्राउन ब्रेड अगर यूज़ करते हैं तो आपका दिल चाहता है तो आटा भी गेहूं का डाला जा सकता है, और वाइट ब्रेड के साथ भी गेहूं का आटा डाला जा सकता है, आपकी चॉइस है। तो ये 8 टेबलस्पून है। चले अब खट्टे के लिए, इसको चटपटा बनाने के लिए या आप आमचूर डाल सकते हैं और या नींबू डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं नींबू डालूंगी ताकि चटपटा सा मज़ेदार सा बने। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। तो चले अब इसमें डालेंगे कुछ चटपटे से मसाले, जो कि कुछ यूं हैं। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भर के चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अगर आपके पास पालक है, गाजर है, उसको भी छोटा छोटा काट के डाला जा सकता है, गोभी वगैरह, जो भी आपका दिल चाहता है। तो चले ये हो गया और अब इसे हम मिलाएंगे। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है, हरे धनिए की, चाट के मसाले की, नींबू की। देखिए ये कलरफुल चीज़ें जब डालते हैं ना तब बड़े मज़े का लगता है। आपके पास भी जो भी रंग बिरंगी सब्जी हो ना वो सब डाल दें, और ना हो तब भी टेस्ट तो बड़ा मज़े का ही लगेगा। अच्छा देखिए अब हमें इस पॉइंट पे कंसिस्टेंसी डिसाइड करनी है। ये हमें हार्ड साइड पर ही रखना है, लेकिन ये जैसे अभी हम उठाएँगे ना
तो ये काफ़ी जुड़ा जुड़ा है। इसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट करेंगे, जैसे हम इसमें डालेंगे 1-2 टेबलस्पून पानी। हाँ, तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखें सही हो गई है। ये जिस तरह से पकड़ रहे हैं ना, थोड़ा सा मुट्ठी बन रही है, लेकिन नरम साइड पे मुट्ठी बन रही है, सख्त साइड पे नहीं बन रही है। चलो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है हमारा। और यहाँ देखें, हमने तेल रखा हुआ है, उसको हम चूल्हा पहले हमने मीडियम लो रखा था, मीडियम हाई कर देते हैं। तो देखें हमारा तेल अच्छा से गर्म हो गया है, तो अब इसको हम करीब ले लेते हैं। पकौड़े की तरह ही तेल गरम रखना है, बहुत स्मोकी पॉइंट पे नहीं, लेकिन अच्छा सा गरम। इसका कोई शेप खास नहीं होता है कि गोल गोल, आप चाहे तो कर लें, लेकिन ये इस तरह के होते हैं कि जो जिस तरह से आप डालेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। और अगर आपको वड़ों में इंटरेस्ट है, तो मैंने एक बेहतरीन से चावलों के वड़े बनाए हैं, खिचड़ी के वड़े बनाए हैं, मूंग की दाल के बनाए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दूंगी, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े मज़े के हैं सब। ये ऐसा है कि बारिश के मौसम में कुछ नहीं है और कुछ बेहतरीन सा खाने मिल रहा है, चटपटा सा। बस चले, लास्ट ये डालते हैं, फिर आधा बैच बाद में डालेंगे। अभी टच नहीं करेंगे, ज़रा सेटल होगा फिर करेंगे। देखिए 8 मिनट हुई है और हमने हिलाया नहीं है इसको, अब हिलाते हैं। तो बस अब 1-2 मिनट जो है आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे, फिर निकाल लेंगे। चले, ये बड़ा अच्छा सा कलर हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखा कैसा क्रंची साउंड आ रहा है। तो वो दही डालने की रीज़न क्या है, अंदर से वो सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो बस अब ये जो है दोबारा ये टेम्परेचर आएगा, तब हम ये पकौड़े डालते हैं, जब तक हम मज़ेदार सी इसकी एक चटनी बनाते हैं जो ख़ास इस पकौड़े के लिए मज़ेदार सी लगेगी। देखें हमारे पास यहाँ ब्लेंडर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हमारे पास टमाटोज़ हैं, जिसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उबाल लें। मैंने माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए इस तरह से काट के रखा था और इसकी स्किन निकाल ली है, तो बेसिकली अब ये कच्चा नहीं है और स्किन निकल गई है, तो वो टेक्सचर चाहिए। तो आप चाहें तो पतीले में 2-4 उबाल ला के इस तरह से कर सकते हैं। तो चले, इसको अब हम डाल देते हैं अपने ब्लेंडर में। इसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप। देखें हमने ये लाल मिर्च जो है, सूखी लाल मिर्च, इसको गर्म पानी में भिगो दी थी। तो अब ये जो है, आप चाहें तो लंबी वाली लें और चाहें तो गोल वाली लें, सेम ही बात है। मेरे पास गोल थी तो मैंने गोल ले ली। चले, और यहाँ देखें हमारे पास 3 टेबलस्पून लहसुन है। आप देख के बेहोश मत हो जाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा चटनी बन रही है। 1 टेबलस्पून शक्कर है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। तो चलिए ये डाल देते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर आपकी लाल मिर्च जो है सूखी भी अच्छे कलर की है जब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको और ब्यूटीफुल ये रेड कलर चाहिए तब आप डालें। और यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून सिरका है, ये डाल देंगे। इसको धो लेंगे इससे, तो बस इसको ग्राइंड करेंगे। चले, ये हो गई अच्छी सी, हम इसको इसमें डालेंगे। और ये ग्रीन चटनी मैंने बहुत मरतबा बनाई है, बन कबाब के लिए, पकौड़ों के लिए, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखें, ग्रीन प्याली में रेड चटनी, रेड प्याली में ग्रीन चटनी। तो चले, अब हम यहाँ अपने वड़े और डालते हैं।
ये देखिए क्रिस्पी करारे हमारे डबल रोटी के कुरकुरे पकौड़े या बड़े। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से डबल रोटी के कुरकुरे पकोड़े बन गए या बड़े कह लो। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखें और आवाज़ सुनिए आपने कैसी क्रिस्पी ख़तरनाक सी है। अब कौन सी चटनी में डिप करूँ, रेड के ग्रीन? चले पहले ग्रीन में डिप करती हूँ। देखिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, डबल मज़ा है। एक टिकट में दो मज़े हैं। अब मैं रेड में डालती हूँ। दोनों हटके एकदम चटनियाँ भी। वो खट्टे की तरफ है ग्रीन वाली, ये गार्लिक ही है, टमाटो ही है और तेज़ी की तरफ है। इस चटनी को बहुत तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आलू वगैरह बना रहे हो ना, या बघार में भी ये डाल सकते हैं, ऑल पर्पज़ सैंडविच वगैरह में डाल सकते हैं। इसलिए मैं ये हमेशा ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ। तो चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ। देखा कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी अगली पिछली डबल रोटियाँ रखी हुई है, चाहे ब्राउन हो चाहे वाइट हो चाहे मिक्स करना हो, आटा डालें, मैदा डालें, राइस फ्लोर डालें, कॉर्न स्टार्च डालें। इन्हें बेचारे इतने नाइस लोग हैं कि आप जो भी डालेंगे वो खुश खुश ही बन जाएंगे, और अंदर से हल्के हल्के नरम और ऊपर से बहुत क्रिस्पी करारे कुरकुरे से। इसके साथ एक गर्म चाय की प्याली हो, आ हा हा क्या बात है। फिर तो चले जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, धमाल मचाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।